हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विस्तारा एयरलाइंस की न्यू वैकेंसी के बारे में। सो इसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था कि कब कैबिन क्रू की वैकेंसीज बॉयज के लिए भी आएंगी। तो फाइनली विस्तारा एयरलाइंस हायर कर रही है कैबिन क्रू के लिए, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या कहाँ कहाँ पे वो हायर कर रहे हैं, हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले आपके पास आप होने चाहिए इंडियन, आपके पास इंडियन नेशनल्स विद वैलिड पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। आपके पास पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 32 इयर्स के बीच में होनी चाहिए, राइट। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग की जो एज है वो आपकी 18 से 32 के बीच में होनी चाहिए। हाइट आपकी 155 मिनिमम होनी चाहिए गर्ल्स के लिए एंड बॉयज के लिए 170 सेंटीमीटर। BMI आपका होना चाहिए 18 टू 22 के बीच में एंड आपकी इंग्लिश और हिंदी में फ्लुएंसी होनी चाहिए। कोई भी आपके विजिबल एरियाज पे, विजिबल पार्ट्स पे आपके टैटूज वगैरह नहीं होने चाहिए। यहाँ पे हमने बात की है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो इंडिया में जितनी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, अगर आप में आपको अप्लाई करना है कैबिन क्रू के लिए, तो अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट विस्तारा एयरलाइंस में ये भी क्राइटेरिया है कि आपके 12th में 60% या 60% से ज्यादा आनी चाहिए। अगर आपके 12th में 60% नहीं है तो आप इसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते। तो मिनिमम आपके 12th में परसेंटेज होनी चाहिए 60। एंड इस इंटरव्यू में जो भी एक्सपीरियंस कैबिन क्रूज है, जो इन्होंने यहाँ पे काफी अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि प्रायर एक्सपीरियंस कैबिन क्रूज प्रेफर्ड, कि जो भी कैबिन क्रू है जिनका पहले कैबिन क्रू का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस कैबिन क्रूज को प्रेफर किया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, देन अगर आपकी सीवी सेलेक्ट होती है तो आपको वो लोकेशन वगैरह सेंड करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी एक एप्लीकेशन के बारे में, जैसे कि आप मुझे बार हमेशा पूछते हैं कमेंट्स में कि हमें कैसे पता चले कि कौन सी एयरलाइन हायर कर रही है। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जैसे जितनी भी एयरलाइंस हैं, आप किसी भी एयरलाइन की वेबसाइट को दिन में 10 बार नहीं चेक कर सकते। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है, जो मैं भी यही ट्राई करती हूँ। जैसे कल विस्तारा ने अपनी वैकेंसीज को अपडेट किया था, तो एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप जितनी भी वैकेंसीज हैं, जितनी भी जो कंपनीज हैं वो हायर कर रही हैं, वो वहां पे आपको सारी एयरलाइंस, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो, वहां पे आपको अपडेट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आप विस्तारा एयरलाइंस हायर कर रही हैं, तो विस्तारा एयरलाइंस के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इंटरव्यू के राउंड्स होंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सबसे पहले आपको जितनी भी जॉब वैकेंसीज है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वो ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज उस ऐप की हेल्प से आपको जितने भी एविएशन के इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं कि आपको कैसे एविएशन की तैयारी करनी है, कैबिन क्रू के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, मींस क्या क्या आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, कैसे आपको ग्रूम्ड होना है, क्या आपको करना है, जितनी भी एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रूज हैं उस ऐप में आपको उनके वीडियोज भी मिल जाएंगे। तो बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल ऐप है। अब हम बात करेंगे कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। सो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, करियर्स विस्तारा। उसके बाद में आपको करियर पेज है जो उनका कैबिन क्रू के लिए, उस पर आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पे जितने भी पायलट्स, कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, उनके लिए आप यहाँ पे जॉब्स देख सकते हैं। तो इस टाइम पे विस्तारा सिर्फ कैबिन क्रू के लिए हायर कर रही है, तो यहाँ पे हम कैबिन क्रू पे क्लिक करेंगे। सो इस पे क्लिक करने के बाद में जो भी आपके पास जॉब ओवरव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैबिन क्रू की, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हमने पहले यहाँ पे डिस्कस किया था, स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स, वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, ये सब यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है अप्लाई नाउ। इस टाइम पे वो हायर कर रही हैं बैंगलोर एंड दिल्ली के लिए। सो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी उनके साथ अकाउंट है, तो मैंने यहाँ पे लॉग इन किया है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा अपनी ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। यहाँ पे आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपकी जो डिटेल्स, अगर आपने पिछली कंपनी में वर्क नहीं किया तो वहाँ पे आपको NA लिखना है, नॉट एप्लीकेबल लिखना है। आपको सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपकी CV, कवर लेटर, आपकी जो भी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, फुल साइज पिक्चर्स, आपको यहाँ पे सब अपलोड करनी है। देन उसके बाद में आपको अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है, वो सब यहाँ पे आपको शेयर करना है। अगर आपने कोई लास्ट कंपनी में वर्क किया है वो शेयर करना है। लैंग्वेज स्किल्स, ये फॉर्म भरना काफ़ी ईजी है। तो यहाँ आपको सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में लास्ट में आपको सेव करना है। आप लास्ट में अपनी प्रोफाइल चेक भी कर सकते हैं कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली है, और वहाँ पे आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। फाइनली आप यहाँ पे अप्लाई नाउ को आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो इतना ईजी है। अप्लाई करने के बाद में आप वेट कर सकते हैं, आपकी CV अगर सेलेक्ट होती है तो वो आपको मेल कर देंगे कि आपके इंटरव्यू की लोकेशन ये है एंड आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं।
तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।